कोट पुतली NH8 पैनियाला के पास अचानक से एक टेलर ने ब्रेक लगा लिए, जिससे मारुति कार पर पीछे से आ रही टेलर मारुति कार पर चढ़ गया, जिससे कार चुरचुर हो गई। उसमें बैठी चार सवारी, एक महिला, एक बच्चा व दो पुरुष। कोटपुतली रिश्तेदारी में से दिल्ली की ओर जा रहे थे, उस समय हुआ हादसा। पैनियाला पुलिस मौके पर पहुंची व डिप्टी दिनेश यादव मौके पर पहुंचकर शव को BDM ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर BDM मोर्चरी डिप्टी दिनेश यादव ने बताया कोहरे के कारण हुआ है हादसा में रखवाया। इसी तरह उसी के पास एक और एक्सीडेंट जिसमें 6 घायल, BDM ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज पैनियाला पुल के पास की घटना। NH8 पुलिस ने करीब एक घंटा बाद जाम को खुलवा कर सुचारू रूप से चालू करवाया। मृतक राकेश उम्र 40 साल, मृतक दीपक उम्र 38 साल, मृतक गोलू उम्र 11 साल, महिला आशा देवी उम्र 30 साल। प्राप्त जानकारी के अनुसार चारों एक ही जगह के बताए जा रहे हैं। कुमार जी हैं जो यहाँ गढ़ कॉलोनी कोटपुतली के रहने वाले हैं, और उनके रिश्तेदार है दीपक, उसकी वाइफ है आशा और एक बच्चा आर्यन। ये सब अल्टो गाड़ी से जा रहे थे जयपुर से दिल्ली वाले रोड पे। पनियाला पुलिये के पास में एक आगे ट्रेलर ने ब्रेक लगाया और कोहरा था घना, इन्होंने ब्रेक लगाया, पीछे से दूसरे ट्रेलर ने पीछे से इस पर गाड़ी चढ़ा दी और चारों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिनको हॉस्पिटल लाया गया, शवों को मोर्चरी में रखवाया। और भी सर एक्सीडेंट हुआ बता? हाँ, उसके सामने ही जस्ट दिल्ली से जयपुर जाने वाले रोड पे हुआ, उसमें 6 लोग घायल हुए हैं, पर 6 की स्थिति ठीक है, उसमें से 3 को छुट्टी दे दी गई है, 3 एडमिट हैं पर उनकी स्थिति ठीक है। कारण कोहरा ही रहा? हाँ, दोनों जगह वहाँ पानी, आसपास खेत हैं तो ज़्यादा उस एरिया में ज़्यादा कोहरा रहता है, कोटपुतली से भी ज़्यादा कोहरा हुआ। थैंक यू।